Good evening and welcome to the show Third Opinion with Hamid Bashani. I'm your host, Jisleen. Mr. Bashani, in today's episode, I do have a couple of comments and then we'll have questions that I would like you to please kind of go in detail for me and the viewers that are watching. Ms. Bashani, as you probably remember, you did do a show on real story behind India, America and Pakistan relationships. So out of that, there were a lot of comments and questions from the viewers and for you. And out of that, there was one that I found. It is by Mr. Basi, Jagjeet Singh Basi. So thank you very much, sir, for sending us this question. Mr. Bashani, I will read it out. There are a few in here, and then you can go ahead and discuss it for us, please. So the question reads, why not mention that Nehru and Jinnah were put in power by the British to serve their interests? Bonus for Nehru was he could give away Kashmir to Abdullah's family. Why Patel was rejected by Nehru and Gandhi when all the votes went for Patel? Why Nehru never given weapons to Indian forces for defending India against China? Why Nehru and Jinnah were playing games with Lady Mountbatten? One country for two persons shared between them. And this is a question. Thank you, Jazlin. Isme bahut sare jo hai na why hain, why again and again. So teen char question hai ek question mein. So we'll go one by one. You remind me if I miss something. लेकिन इससे पहले हम वहाँ जाएं, सबसे पहले हम आज जब ये शो कर रहे हैं तो होली का जो है वो त्यौहार है, विच ऑब्वियसली यू फॉरगॉट टू मेंशन, सो आई एम मेंशनिंग दैट. सो मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ जो लोग होली बना रहे हैं. मेरे ख्याल में बर्र सगीर के बड़े हिस्से में जो है, कोने कोने में ये जो है फेस्टिवल त्यौहार जो है ये बनाया जाता है जी. और इससे हमें याद आता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कल्चरल रिचनेस है जी, वो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, जो कि आस्ते आस्ते कम हो रही है. अब कम होना कह लें इसको, या यूं कह लें कि एक रिप्लेसमेंट हो रही है, एक नया कल्चर आ रहा है, नए जो है वो इंटरटेनमेंट, नए फेस्टिवल्स, नई तहजीबें आ रही हैं. लेकिन ये जो इस तरह के पुराने जो होते थे, मैंने देखा कि ये देख के बड़ी खुशी होती है कि लोग बनाते हैं. अगर आप ये बनाएं ना तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिसअपियर हो जाते हैं जी. मसलन हमारे यहाँ जो है ना आज़ाद कश्मीर में, जब हम बहुत छोटे थे बचपन में, तो एक फेस्टिवल होता था बसंत का जो पूरे बर सगीर में बनता है. जब बाहर आती है तो वो फिर उसके बाहर की मुनासबत के साथ ये एक फेस्टिवल है. तो मुझे याद है कि ये फेस्टिवल इसी तरह बनता था जिस तरह के हमारे यहाँ अब ईद बनती है. एवरीबॉडी ऑब्वियसली जब चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, चिल्ड्रन दे फील एक्साइटेड और उसमें वो हिस्सा लेते हैं बड़ी गर्मजोशी से. तो दैट मींस के ये पूरे कल्चर का एक हिस्सा है और अवामी सतह पे इट इज़ पॉपुलर. तो अब ये टोटली डिसअपियर हो गया. यानी जो अब की जनरेशन है उनसे अगर आप पूछें बसंत क्या है, मुमकिन है दे इवन डोंट नो. तो इस तरह के ये जो कल्चर हैं, कल्चर में जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनके पीछे एक हिस्टोरिकल जो है वो बैकग्राउंड होती है. फिर उसमें बहुत सारी एक शेयर किस्म की हिस्ट्री है, लोगों की कल्चरल जो है वो ऐसी असलात होती हैं. तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर जो है ना बात होनी चाहिए जब कभी वो हो रहे हैं और पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो इसके साथ ही मैं फिर जाता हूँ उनके सवाल की तरफ. तो उनका जो पहला था, can you repeat that? Yeah. Just first part. Yep, it's saying why not mention that Nehru and Jinnah were put in the power by the British to serve their interests. हाँ, तो ये एक reference इसका बड़ा clear करना ज़रूरी है, क्योंकि जो शो मैंने किया था हाँ जी, उसमें मैं बात कर रहा था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पार्टीशन हुआ और जो ये सारा प्रोसेस हुआ, तो उसमें इन्होंने ये कह रहे हैं कि why you did not mention के जिन्ना और नेहरू जो है के ज़रिए अंग्रेज़ों ने जो है बर्र सग़ीर तकसीम कराया जी. अब इसमें देखें, हम जब कभी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे या पार्टीशन पे कोई बात करते हैं तो उसमें कई किस्म की ओपिनियंस जो हैं वो आती हैं एज ए रिएक्शन. दिस इज़ वन ऑफ देम. अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो डिवीज़न थी, दैट इज़ नॉट ए सिंपल थिंग. ये बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का एक वाकया था, ए वेरी वेरी कम्प्लेक्स इवेंट. और इसके पीछे कोई एक फैक्टर नहीं था. इट्स लाइक टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, टू मच सिंप्लीफाई, कि हम कह लें जी कि जय नेहरू और जिन्ना को अंग्रेज़ों ने अपॉइंट किया था कि वो हिंदुस्तान तकसीम करें.
तो ये इसका बहुत एक सिंपल किस्म की स्टेटमेंट है, हालांकि ये बहुत कम्प्लेक्स है और कोई एक फैक्टर जो है इसमें आप नहीं कह सकते कि ये फैक्टर है जिसकी वजह से तकसीम हुई। उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करें तो मुमकिन है 10-12 फैक्टर्स तक आप उसको नैरो डाउन कर सकें, क्योंकि उसमें बहुत सारी रीजंस थी। उसमें ये पॉलिटिकल भी थी, उसमें कल्चरल भी थी, उसमें इकोनॉमिक भी थी, और उसमें ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है, हाँ जी, ये भी थी। इसके पीछे थ्योरी ये है कि अंग्रेज़ जब बरसगीर से जा रहे थे तो दे वर अफ्रेड ऑफ इंडिया, कि एक आज़ाद इंडिया जो है वो एक बहुत तेज़ी से उभर सकता है। उसके मुख्तलिफ पहलुओं से उन्हें खौफ था। एक पहलू ये था कि ये उभर सकता है एज ए पावर इटसेल्फ, चूँकि एज ए कंट्री अब सच जो है वो लेंथ और पावर और पॉपुलेशन और वेल्थ उसको अगर डिवाइड नहीं किया जाता, इसी तरह छोड़ दिया जाता है, तो मुमकिन है कि ये बहुत जल्द एक सुपर पावर की शक्ल इख्तियार कर ले। एक खौफ ये था जो नैरेटिव हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं जी। दूसरा खौफ ये था कि इंडिया जो है उसकी जो लीडरशिप है उसका एक बड़ा हिस्सा प्रो सोवियत ख्यालात रखता है। अगर प्रो सोवियत नहीं भी है तो प्रो सोवियत ख्यालात रखता है, यानी उनका सोशलिज्म की तरफ झुकाव ज़्यादा है। और अगर इस तरीके से बरसगीर को छोड़ दिया गया एज ए यूनाइटेड इंडिया, तो मुमकिन है कि इंडिया एज ए यूनाइटेड इंडिया एक प्रो सोवियत जो है वो रास्ता इख्तियार करे, ठीक है जी। और उसको वो देखते थे कि हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त जो है वो प्रो लेफ्ट या लेफ्ट लीनिंग फोर्सेस कितनी एक मजबूत हैं। तो उस वक्त चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की इतनी बार नहीं थी इन दैट मच नंबर्स, फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उसमें जो है वो मसलन कांग्रेस थी, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ तबके थे, स्कूल ऑफ थाट थे, उसमें लेफ्ट लीनिंग भी थे, राइट लीनिंग भी थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन थी, बतौरी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के और बहुत सारे ग्रुप थे, तो जिनकी मौजूदगी में इनका ख्याल है कि अंग्रेज़ ये समझते थे कि ये एक प्रो सोवियत स्टेट जो है वो बनेगी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बैलेंस को के लिए एक डिस्टर्बिंग फैक्टर होगा। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि पार्टीशन हो जानी चाहिए जी। और फिर इसकी चौथी रीज़न जो बताते हैं वो ये है कि चूँकि एक गेटवे जो है जो सेंट्रल एशिया से सोवियत यूनियन का रास्ता बनता था इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, वो रास्ता रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने ज़रूरी समझा कि दरमियान में एक टेरिटरी क्रिएट की जाए, जो कि जिसकी वजह से डायरेक्ट इंडिया और सोवियत यूनियन के दरमियान जो है वो ताल्लुक ना बन सके। तो इस फैक्टर के पेश नज़र उन्होंने फिर जनाह पे काम किया। नेहरू का तो इन्होंने पहली दफ़ा मेंशन नहीं किया, इस पे बात होती रही है, लेकिन जनाह के बारे में, कायदे आज़म अहमद अली जनाह के बारे में ये एक आम ख्याल पाया जाता था कि इस बुनियाद पे उनका अंग्रेज़ों के साथ एक ताल्लुक बनता था कि उनका ये कॉमन इंटरेस्ट बन रहा था जी। जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये किया। अब ये देखें, ये नैरेटिव्स हैं। जैसे एक नैरेटिव ये है कि मुसलमानों का ख्याल था कि हम हिंदुओं के साथ किसी सूरत में मिलकर नहीं रह सकते, चूँकि वो डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते थे और डेमोक्रेसी में ज़ाहिर हिंदुओं की अक्सरियत थी, सो देयरफॉर दे वुड नेवर बी एबल टू मेक इट। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अलग-अलग वतन चाहिए, जो उनको मिल गया। एक नैरेटिव ये है। एक नैरेटिव ये है कि ख़ुद कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मखलूत यानी कम्बाइन गवर्नमेंट बनी थी, उसमें जो वज़ीर ख़जाना था वो मुस्लिम लीगी था, लियाकत अली खान, तो उसने जो बजट पेश किया इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर कांग्रेस। तो कांग्रेस के लीडरों ने उससे ये सबक लिया कि इन लोगों से जान छोड़ाना ही बेहतर है बजाय इसके कि किया जाए। चुनाचे उन्होंने खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि पाकिस्तान जो है वो बन गया। अब इसके इस ज़ाहिर है हमारा आज का टॉपिक ये नहीं, वैसे ये टॉपिक हमारा होना चाहिए, वाई हाउ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, उसमें कौन कौन सी नैरेटिव हैं, उनमें क्या सच्चाई है, लेकिन ये चूँकि हम इनके सवाल के जवाब दे रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में मैं ये कह रहा हूँ कि ये भाई साहब जो है, नाम क्या है इनका आपने बताया, जगदीश, ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ये एक ओपिनियन है। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि एज ए तजिया नगार हमें सारी ओपिनियंस को सामने रखना चाहिए ताकि अवाम जो है वो खुद एक एजुकेटेड किस्म का डिसीजन करें। तो इनकी अगली सतर क्या है?
वो अगली थी कि ही सेड द बोनस फॉर नेहरू वाज ही कुड गिव अवे कश्मीर टू अब्दुल्लास फैमिली. हाँ, तो ये अनदर एक बहुत ही टची और कंट्रोवर्शियल किस्म का सवाल इन्होंने उठाया है कि नेहरू साहब ने कश्मीर को एज ए बोनस जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दे दिया. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज द लीडर ऑफ द कश्मीरी पीपल एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका प्राइम मिनिस्टर होता था बिकॉज दैट वाज द अरेंजमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड महाराजा हरी सिंह. तो अब ये कहते हैं कि उन्होंने बोनस के तौर पे शेख फैमिली को दे दिया. तो देखें, शेख फैमिली के हवाले से ये सारी चीज़ें जो है ना एक ताने के अंदाज से जो चलती हैं उसके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ और नैरेटिव दुरुस्त भी हैं कि उन्होंने इसको एक ख़ानदानी जागीर बना दी अपने फ़ायदे के लिए, जो इज्तमाही कौमी मफादात होते हैं उनको पास से पुश डाल दिया, या अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ शेख अब्दुल्ला की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा वज़न दे के तो इसको बेसिक जो कश्मीरी पीपल का इंटरेस्ट था उसको इग्नोर कर दिया. ये एक नैरेटिव. दूसरा नैरेटिव ये है कि अगर ये बात होती तो फिर शेख साहब के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था कि गाय एंडेड अप इन जेल फॉर इयर्स एंड इन एग्जाइल एंड थिंग्स लाइक दिस. सो इसका मतलब ये है कि ये एक वही जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ब्लेम गेम इसमें जो है ये कहना. और तीसरा ये कि देखें, उस वक्त जब जो भी कह लें लेकिन जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स पूरी स्टेट में जिसमें कि ये मौजूदा जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटोरी है या आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के अंडर है या गलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के अंडर है, ये सारे शामिल थे. और उस पूरे खित्ते में सबसे पहला डेमोक्रेटिक पर्सन जो है ही वाज शेख अब्दुल्ला. ही वाज द मैन हु क्रिएटेड ए पॉलिटिकल पार्टी. क्योंकि ये रिवाज ही नहीं था, वहाँ ट्राइब्स होते थे, कबीले और छोटे मोटे ग्रोह होते थे लोगों के या मजहबी बुनियादों पे रिलीजियसली ऑर्गेनाइज थिंग्स लाइक दिस. ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रियली ब्रॉट द पीपल इनटू द पॉलिटिक्स. एंड देन उसने ये डिमांड की कि पीपल को एम्पावर किया जाए और महाराजा हरी सिंह से ये मुतालबा किया कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं उनको रिस्टोर किया जाए. तो अब इतनी बड़ी रियासत में 84,500 मरबा मील, प्रोबेबली दैट वाज द लार्जेस्ट बाई टेरिटोरी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का होना जो मैं आपको बता दूं कि आज नहीं है. कैन यू इमेजिन, आई एम टॉकिंग अबाउट 1947 एंड बिफोर, इवन 1940s में, कि पहाड़ों पे वहाँ पे इस तरह की जहाँ लिटरेसी रेट कोई 10% से भी कम हुआ होगा, इस तरह की एक पेयर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ऑर्गेनाइज करना जिसमें के मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू पंडित ब्राह्मण ये सारे जो है एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप उसमें शामिल थे और लीडरशिप में अंदर थे. और फिर उस पार्टी का बाकायदा एक मॉडर्न किस्म का जो है मैनिफेस्टो जी. ये सारी चीज़ें क्रिएट करना दैट वाज नॉट ए जोक. इवन वी कैन नॉट डू इट टुडे, वी फेल टू डू. कश्मीर में कोई 500 पार्टी है. 500 पार्टी का मतलब ये है कि डिसइंटेग्रेशन और पोलराइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स जो है उरूज पे है, या इमैच्योरिटी की पॉलिटिक्स इज एट दी हाइट के जहाँ पे आप इतने ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं और हर ग्रोह अपने आप को अल्लाह का सिपाही या खुदा की तरफ से अपॉइंटेड ये दूसरे से बेहतर और सच्चाई पे गामजन नज़र आता है. तो इन हालात में शेख अब्दुल्ला ने इतनी बड़ी मास मूवमेंट को एक पॉलिटिकल पार्टी के डिसिप्लिन में लाया. तो दैट कैन बी डन ओनली बाई ए पर्सन जिसका कि पीपल के साथ, अवाम के साथ, मैसेज के साथ एक जुड़त है और एक तल्लुक वास्ता है, अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल. तो ये ब्लेम करना कि जी ये तोहफे में हो गया था, ये था, इस पर जो है मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है. परफेक्ट, थैंक यू मिस बशानी. व्यूअर्स प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक. थैंक यू.
Marchers had gathered for the Aurat or Women's March in support of gender equality and against patriarchy and misogyny. Meanwhile, dozens from the Red Mosque Brigade, consisting of several local militant groups, were also staging a rival rally just across from the Women's March venue. To avoid clashes, authorities had erected a tent between the two rallies. Police blocked the Islamists as they tried to break through a cordon to attack the marchers. A police official said no one was injured in the incident. जो वायलेशन जो है वो उलमा की तरफ से हुई है उनका टाइम जो था 3 बजे से पहले पहले था और वो 4:30 से 5 बजे तक रहे ऑल्दो वो कह रहे हैं कि बारिश की वजह से हुआ लेकिन ये गैर कानूनी है और इसके इस पे इनके खिलाफ एक्शन Welcome back, viewers. Mr. Bashani, we're going to continue talking about the question for Mr. Basi. So I will read the last three questions, and then we'll just finish this one up. So the question reads, why Patel was rejected by Nehru and Gandhi when all the votes went for Patel? Why Nehru never given weapons to Indian forces for defending India against China? Why Nehru and Jinnah were playing games with Lady Mountbatten? ये तीनों बड़े दिलचस्प सवाल हैं लेकिन एक तो एक इसमें बहुत सारी इंटरनल पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है जिसमें डिटेल की में जाने की ज़रूरत है जी। लेकिन इन सवालों में वाकया ही जो है एक वज़न है और मैं समझता हूँ कि इनका जवाब देना चाहिए तफसील के अंदर लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि ये देखें जो गिफ्ट करने वाली बात है तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ओनली जो लीडरशिप थी उस वक्त वो शेख अब्दुल्ला थी तो इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं है कि और कोई नहीं था ऑब्वियसली देयर वर डिफरेंट फैक्टर्स एक बड़ा फैक्टर जो है महाराजा हरी सिंह भी था और वो भी एक हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए था कि एक तो वो रियासत का हुक्मरान था दूसरा उनके पास फौज थी और रियासत के अंदर उसकी अवामी फॉलोइंग भी एक बड़े पैमाने पर मौजूद थी ये बात नहीं कि वो महाराजा था तो लोग सारे उसके ख़िलाफ़ थे देयर वर नंबर ऑफ़ पीपल जो उसकी सपोर्ट कर रहे थे सिविलियन की बात कर रहा हूँ मैं जो आम शहरी और उसके साथ थे अब चूँकि ये बहुत तारीख के पीछे जाने वाली बात है लेकिन इस वक्त जो है ना वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो डिवाइड हो गई और उधर यूनियन टेरिटोरी बन गई इधर आज़ाद कश्मीर वगैरह है तो उसको अब कुछ लोग आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं 16th of March 1946 सालों की एक सदी पुरानी बात है जी। कि जब ये स्टेट उसमें आई थी मार्ज़े वजूद में आई थी स्टेट बनी थी तो 100 साल बाद भी अगर कश्मीर के अंदर कुछ लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं एज ए ओरिजिन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द डे व्हेन दे बिकेम स्टेट क्योंकि उससे पहले इस नाम की कोई स्टेट रियासत जम्मू कश्मीर नाम की कोई चीज़ नहीं थी तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक एफिलिएशन लोगों की अपनी धरती के साथ अपने आवाम के साथ जो है वो इतनी गहरी है और उसकी हिस्टोरिकल रीजंस हैं सो इट वाज और नेहरू का मसला ये था कि नेहरू वाज हाईली एजुकेटेड एंड सेंसिटिव पॉलिटिशियन और वो आवाम की तरफ पहले देखते थे कि आवाम क्या चाहते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं किस चीज़ पर उनको मजबूर किया जा सकता और किस पर नहीं किया जा सकता और जो डिसीजन उन्होंने किया वो प्रो पीपल था उन्होंने किसी राजे महाराजे को पकड़ के तो जो है वो कश्मीरियों पे मसालत नहीं किया जो कि वो ये भी कर सकते थे उन्होंने एक कश्मीरी लीडर को उठाया अगर बाद में उस लीडर ने क्या डिलीवर किया नहीं किया क्या उसके फेलियर्स हैं क्या सक्सेस है दैट इज़ अनदर टॉपिक लेकिन ये कहना कि उसने मसालत किया दैट्स नॉट ट्रू इक्वली देखें जो एक उनके जो इन्फ्लुएंस था महाराजा हरी सिंह का चूँकि 1846 से लेके महाराजा ख़ानदान जो है महाराजा गुलाब सिंह से लेके तो कश्मीर को बनाने में और उसको एक स्टेटहुड में डालने में और उसको एक मॉडर्न रियासत इट वाज अ वेरी वेरी मॉडर्न स्टेट जिसके अंदर राइट टू वोट भी आ गया था बच्चियों की एजुकेशन ये सती के कानून का खात्मा बहुत ऐसी चीज़ें थी हाईली रेवोल्यूशनरी एंड मॉडर्न जो स्टेप्स थे जो ये राजू महाराजों ने वहाँ पर उठाए तो इस हिसाब से वहाँ अवाम के साथ एक ताल्लुक जो है वो बहुत ज़्यादा था इज़ नॉट लाइक भेड़ बकरियों की तरह इधर से उधर जो एक डायलॉग होता है वो जाता है
तो ये बात है. थैंक यू मिस बशानी. देयर इज आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान. आई बिलीव यू स्पोक अबाउट इट लास्ट टाइम, एंड इफ यू कैन आल्सो टेल अस व्हाट्स द लेटेस्ट सिचुएशन हैपनिंग राइट नाउ. हाँ, असल टॉपिक तो हमारा आज का यही था जो बीच में रह गया सवाल और जवाब में. तो इसमें बात यह है कि जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है कि ये जो हमने डिस्कस किया था उस वक्त, वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई डेवलपमेंट हुई थी, एंड दैट वाज जो एकॉर्ड हुआ अमरीकियों और अफ़गानिस्तान के दरमियान, उस पे हमने बात की थी. चूँकि उस पे भी उस वक्त जो है कोई खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं था कि इसका बनेगा क्या, ये जो एकॉर्ड एग्रीमेंट हुआ है अमरीकी वर्सेस अफगान, क्या इस पे अमल हो जाएगा या नहीं. तो अफगान तालिबान की हिस्ट्री को देखते हुए कोई ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था कि वो इस पे कोई खुल के बात करे. चूँकि अफगान तालिबान की हिस्ट्री ये रही है कि उन्होंने कहीं ये 20 सालों के दौरान उन्होंने कहीं ऐसे एकार्ड किए हैं और फिर उनको अक्सर जो है वो मुस्तरद कर दिया, या उनके ख़िलाफ़ वर्जी अंदर ही अंदर, या उसके ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें शुरू करके फिर उसको ख़त्म कर दिया. सो दैट इज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यू नो दिस कॉन्फ्लिक्ट. तो उस सूरत में उस वक्त भी कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो है बात बनेगी नहीं, क्योंकि एज सुन एज दे विल गो बैक टू देयर लैंड, तो उसके बाद वो फिर दोबारा लड़ना शुरू हो जाएंगे. लेकिन मेरी राय बिल्कुल डिफरेंट थी. मैं ये कह रहा था कि ये एक पॉजिटिव कदम है और इसकी जो है वो पॉजिटिव नतीजा निकलेगा. सो प्रॉबेबली आई वाज ट्राइंग टू बी टू मच पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव, चूंकि इसके साथ अमन का सवाल जुड़ा हुआ था. तो अमन के हवाले से मेरा एक दुखती रैग है, बिकॉज आई ऑलवेज फेवर पीस ऑन वार और कॉन्फ्लिक्ट और जो भी कोई वायलेंस है. तो इस हवाले से मुमकिन है मेरी कुछ जानबदारी भी हुई हो, लेकिन मेरा तजिया ये था कि वाई इट विल बी कंक्लूडेड सक्सेसफुली, कि मैं समझता हूँ कि जो वो खिता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, उसमें जो पॉलिटिकल लैंडस्केप और इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया है. अब वही फोर्सेस जिनके मफादात उस वक्त, यानी आज से 20 साल पहले, वायलेंस के साथ, वार के साथ, ब्लड शेड के साथ जुड़े हुए थे, आज अमन की तरफ उनका झुकाव इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा कि दे बिकेम पैसिफिस्ट और प्रो पीस, इसलिए हो रहा है कि अब उनके मफादात जो हैं वो अमन के साथ जुड़ रहे हैं. और इसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि मसलन पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा हमेशा जो है वो एंटी पीस रहा है, चूँकि उन्होंने जो अपने ज़ाती मफादात क्रिएट किए हुए थे, मोस्ट ऑफ देम ज़ाती आई वुड कॉल इट, वो वार और वार लाइक सिचुएशन के साथ जुड़े हुए थे. ये मिलिटेंसी, ये मिलिटेंटों के ग्रो, ये असलाह की खरीद व फरोख्त, ये बयानात, उसमें जो है वो इस्लामिक मिलिटेंट से लेके इस्लामिक क्लैरिक से लेके, तो आम जो ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन ज़हनी तौर पे भी वो अंदर से क्लैरिक ही हैं, बाहर से नज़र नहीं आते. और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बाहर से बाज़ क्लीन शेव्ड किस्म के मॉडर्न लुकिंग पीपल आर मोर फंडामेंटलिस्ट देन मौलवी. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो ये सारे लोग, चूँकि लोग कैमाफ्लॉज हुए हुए हैं, या फिर उनमें इतने तजादात आ गए ना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टोरी, कि दे डोंट नो हु दे आर एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन ये एक बड़ा ग्रुप जो था, इसका जो इंटरेस्ट था वो अफगान ब्लड शेड के साथ जुड़ा हुआ था. इसलिए मैंने कहा था कि जब इन तक ये लोग पावर में हैं एंड दे कैन एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस, दे विल नेवर गिव चांस टू पीस. क्योंकि अपने ज़ाती मफादात की जब सारी लड़ाई है जी, तो उसमें फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इतनी आसानी से गिव अप करें. तो मैंने ये कहा कि अब ये जो लैंडस्केप चेंज हो रही है, पाकिस्तान इज़ ऑन द एज, ठीक है ना जी. तो अब इनके इनको नज़र आ रहा है कि हम ऑलमोस्ट कलेप्स हो जाएंगे अगर हमने अपनी पॉलिसियां चेंज ना की, क्योंकि उन्होंने सारा जो है ना इधर उधर हाथ पाँव मार के देख लिया. पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इज़ ए काइंड ऑफ वेरी डिप्रेसिव स्टेट में चली गई, और जो होप्स थी उनकी, ले दे के जो होप बनती है वो सारी की सारी ख़त्म हो गई. मसलन आप इंडस्ट्री डिवेलप करेंगे तो इसका क्या सवाल है, जब आपने चाइना के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप बना दी जिसकी इंडस्ट्री ऑलरेडी आसमान से बातें कर रही है, और पाकिस्तानी मंडी जो है उसको अपनी मंडी बना चुकी है, तो उसमें अब क्या इंडस्ट्री डेवलप करेंगे.
ایکسپورٹ آپ کیا کر سکتے ہیں جبکہ بنگلہ دیش بھی آپ سے جو ہے 20 سال آگے چلا گیا ہے مختلف. یہ ایک جو ہے اکانومی کے حوالے سے ایک لمبی ڈسکشن ہے جس کے لیے یہاں وقت نہیں, لیکن اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ دیر از نو وے آؤٹ ایز لانگ ایز دے کیپ دیئر سچویشن لائک دس, کہ انڈیا سے بھی سینگ لڑائے ہوئے ہیں, افغانستان سے بھی سینگ لڑائے ہوئے ہیں, ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو تھری امیجیٹ نیبرس, تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر آئندہ 10-8 مہینوں میں ہمیں قرضے نہ ملیں, یا قرضہ از دی اونلی سورس آف انکم لیفٹ, تو دین وی کین ناٹ سروائیو. تو اس میں پھر جو کچھ لوگ ہوش مند لوگ ہیں انہوں نے یہ راستہ نکالا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ پیس, تاکہ پیس کے ساتھ پھر ٹریڈ آئے, ٹریڈ کے ساتھ پھر اوپننیس ہو, اس کے بعد پھر ہمارے جو ہے ایک بزنس ایکٹیویٹی ایک پیسفل ماحول میں جو ہے وہ بن سکے. لہٰذا اب وہ افغانستان کو جس کو یوز کیا رہا تھا جا رہا تھا پورے انڈین سب کنٹیننٹ میں ایز اے سورس آف ٹینشن اور بلڈ شیڈ, کہ ملیٹنٹس جو ہے وہ موو کر رہے ہیں اکراس دا بارڈر کراسنگ فرام افغانستان ٹو پاکستان اینڈ دین ٹو کشمیر, اینڈ یہ پورا جو چین چلتا تھا وہ پھر ایسے ہی کوئی ہوا میں نہیں چلتا تھا یا میز ملیٹنٹوں کے اس پہ نہیں تھا, اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ سارے چینل تھے. تو اب وہ چینل خود اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہمیں پیس کی طرف جانا چاہیے, سو دے کین ٹیل افغانیز انف از انف. تو جب وہ اس طرح کریں گے تو وہ پھر خود ہی ڈوریاں کھینچ لیں گے جو انہوں نے کھلی چھوڑی ہوئی تھی. تو اس کی وجہ سے میرے تجزیے کی وجہ یہ تھی, لیکن آئی ایم اسٹل آپٹیمسٹک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ ٹھیک چل رہا ہے, طالبان ابھی تک اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یس وی آر فار پیس اینڈ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو نیا ٹرن وہاں آیا ہے کہ خود افغان جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہے کہ اب وہاں پہ دو صدر بن گئے, ایک ہی ملک کے دو صدر, اور دونوں نے اپنے آپ کو خود ساختہ طور پہ جو ہے وہ منتخب کر دیا ہے. تو دیٹ از اے سچویشن وچ از ایکچولی ریفلیکٹنگ دا سچویشن آن گراؤنڈ. افغانستان جو ہے از ہائیلی ڈیوائڈیڈ سوسائٹی زبانوں اور ایتھنک گروپس کی بنیاد پہ, یہ تاجک ہے یہ پشتون ہے یہ وہ ہے, تو اس بنیاد پہ اس کو پھر تھوڑا سا جب اس طرح کی آواز دی جائے تو اٹ کڈ بی فردر ڈیوائڈیڈ آبویسلی, اور ایک کانفلکٹ کی سچویشن ہے جہاں پہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت آسانی سے فیول اپ ہوتی ہیں. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر پیس کے لیے افغانستان کو ساتھ ملانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا حصہ ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے بٹ از اے پارٹ اینڈ پارسل آف انڈین سب کنٹیننٹ. تو اس حوالے سے اس کو ایٹ لیسٹ اس کا ایک حصہ, تو اس حوالے سے اس کو ساتھ لے کے چلنے سے ایک ریپڈ جو گروتھ ہے اکانومی کے اندر وہ ہو سکتی ہے, اور اس میں جتنے حصے دار ہیں شراکت دار ہیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں, چھوٹی چھوٹی قومیتیں ہیں یا بڑے ملک ہیں, وہ سب اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا چلتے رہنا is not only a problem for Afghanis but also for the whole of Indian subcontinent. So basically mere kehne ka matlab ye tha. Perfect. Thank you Ms. Bashani. Thank you for watching our show and we'll see you guys next week.